नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 19 प्रो मोंड्रियान वर्सेस रियल मी सी 35 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 6.56 इंच जबकि Realme C35 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है जो कि 19 Pro Mondrian से कम है। विड्थ की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 2.93 इंच जबकि Realme C35 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 19 Pro Mondrian में 204 ग्राम जबकि Realme C35 में 189 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 6.8 इंचेस जबकि Realme C35 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 19 Pro Mondrian में 1080x2460 और Realme C35 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 19 Pro Mondrian में 88.55% जबकि Realme C35 में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 19 Pro Mondrian में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Realme C35 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो 19 Pro Mondrian में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अननोन कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme C35 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 19 Pro Mondrian में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme C35 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 19 Pro Mondrian में Mali G57 MC2 जबकि Realme C35 में Mali G57 MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 19 Pro Mondrian में MediaTek Helio G96 और Realme C35 में Unisoft T616 मिलता है। बात करें RAM की तो 19 Pro Mondrian में 8GB की RAM मिलती है जबकि Realme C35 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो 19 Pro Mondrian में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme C35 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 19 Pro Mondrian में अप टू 512GB जबकि Realme C35 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 19 Pro Mondrian में Android V12 जबकि Realme C35 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 1 कलर्स जबकि Realme C35 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 19 Pro Mondrian में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme C35 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो कैमन 19 प्रो मॉन्ड्रियान में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme C35 की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 19 प्रो मॉन्ड्रियान आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 19 प्रो मॉन्ड्रियान आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A33 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A4 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord N20 SE है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।